नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर नरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, काफ़ी बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे करप्शन को लेकर, उनकी मार्कशीट में जो चल रही है एट प्रेजेंट, जो आपका अभी रिजल्ट आया है, तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। जितने भी छात्र जिनका जो है मार्कशीट में अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या कोई फोटो गलत लगी हुई है, तो उसके लिए जो है अभी आप करेक्शन करवा सकते हैं। या जो छात्र जिनके पहले से ही कोई गलती चल रही है, तो वो उनका क्या कुछ रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम सारा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट आईटीआई से रिलेटेड सभी तरह की अपडेट आपको एक ही चैनल पर मिल जाए। तो चलिए साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपने अब करना क्या है। जो अभी लेटेस्ट, पहले तो उन छात्रों की बात कर लेते हैं जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट घोषित किया है, चाहे वो 2 वर्ष की ट्रेड वाले हों या 1 वर्ष वाले या बैक वाले हों। तो जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया, उनके डीएमसी के अंदर अगर कोई नेम गलत है या कोई फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या आपकी कोई फोटो गलत लगी है, तो उन बच्चों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो उन बच्चों को सिंपली यहाँ पर आप खुद भी कर पाएंगे, आपने कैसे करना है। तो आपने सिंपली ncvt.mis.gov.in पर जाना है, और जब आप अपना जो है रिजल्ट यहाँ से मार्कशीट वेरिफिकेशन में चेक करते हैं, तो आपने वही खोलना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मार्कशीट वेरिफिकेशन में जो है जाना है, जैसे हम जाते थे, तो वहाँ पर आपने रोल नंबर ये सारा सर्च करना है। जैसे ही रिजल्ट आप निकालते हैं, सेम वैसे ही प्रोसेस आपने ऊपर करना है। और नीचे जब आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि एक्सेप्ट या ग्रेवियंस, तो अगर आपका बिल्कुल सब कुछ ओके है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, तभी आपकी डीएमसी जनरेट हो पाएगी। अदरवाइज कोई करेक्शन है या रिजल्ट के लिए करेक्शन थी, तो हम ग्रेवियंस करते थे, तो सेम ग्रेवियंस आपको अपने नेम वगैरह ठीक कराना है, तो भी आपको ग्रेवियंस ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए, न्यूज़ एंड अलर्ट में साइट पर ग्रेवियंस यूजर मैनुअल फॉर ट्रेनिंग, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप जो है इसको ओपन करके इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो आपके लिए यूज़र गाइड यहाँ पर दिया गया है वेबसाइट पर, तो इसमें यहाँ देख लीजिए, जैसे ही आप अपना रिजल्ट जब ओपन करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट इस तरह से ओपन हो जाता है। ये आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं, तो ये देखिएगा, जैसे ही ये रिजल्ट ओपन होता है, तो यहाँ पर ये देखिए एग्री या रेज ए ग्रेवियंस। तो अगर आपका ठीक है सब कुछ, तो आप एग्री कर दीजिएगा। अगर कोई बात, जैसे अब हम करप्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि ग्रेवियंस कैसे करना है अपने, अगर रिजल्ट में कोई आपकी कमी है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। और अब आज स्पेशल वीडियो ये कि मान लीजिए आपका नाम गलत खराब है, तो जब आप रिजल्ट ओपन करेंगे, ये ग्रेवियंस सिर्फ जिन बच्चों का भी रिजल्ट आया है उन्हीं के लिए है। जो पुराने बच्चे हैं उनके जो अपनी आईटीआई से ही संपर्क करके आप ठीक करवा सकते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो पुराने बच्चे हैं, अगर उनकी कोई करेक्शन करवानी है, तो वो अपने आईटीआई के थ्रू ही करवा पाएंगे। जो भी जिनके अब रिजल्ट आए हैं, वो ही सिर्फ ये चीज़ कर पाएंगे ऑनलाइन खुद ही, बाकी जो बच्चे पुराने वाले हैं, वो अपनी आईटीआई से संपर्क करके ही ठीक करवा सकते हैं। तो आप बात करेंगे, जैसे कि रिजल्ट आपने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आपने करना है रेज ए ग्रेवियंस, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपकी विंडो के ऊपर इस तरह का साइन अप ये पूछेगा कि आपने ग्रेवियंस क्लिक करना है, तो ओके कर लीजिएगा, और आपका जो रिजल्ट वगैरह 30-45 दिन के लिए रोक दिया जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस है साथियों, अगर नेम वगैरह के लिए करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ आपकी डीएमसी जो है वो आपकी मार्कशीट लेट आएगी, नाम ठीक होने में आपका समय लेगा, बस इतना ही है। रिजल्ट वालों के लिए भी सेम प्रोसेस है, तो रिजल्ट के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा कैसे करना है ग्रेवियंस के लिए। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो ये फिर दोबारा आपसे पूछेगा, यहाँ पर आपने ट्रेनिंग नाम डालना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर R डालकर पूरा लिखना आपने। यहाँ पर इसमें जब ग्रेवियंस टाइप है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन आएगा वो हम आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए, जब यहाँ पर आपने नाम डाल दिया अपना, नीचे रजिस्ट्रेशन R डाल के पूरा डालना है। जब ग्रेविस टाइप में आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे ऊपर मिलेगा प्रोफाइल रिलेटेड, और इसी के नीचे आएगा एग्ज़ाम रिलेटेड। तो एग्ज़ाम में
अगर कोई ठीक करा तो एग्जाम वाले कर रहे हैं बच्चे, अदरवाइज जैसे हम आज प्रोफाइल के लिए कर रहे हैं नेम वगैरह क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर प्रोफाइल रिलेटेड आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये रजिस्ट्रेशन नाम डालकर यहाँ पर आपने फिर नेक्स्ट पर जो है जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपका ओटीपी मांगेगा, जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो दिया था उसके ऊपर आपका ओटीपी जाएगा। तो आप अपने नंबर चेक कर लीजिए, ये नंबर आपका होना चाहिए वैलिड, आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन जब की थी तब आपने अगर पुट किया था तो ये जरूर शो करेगा। तो यहाँ पर आपका जो आपके मोबाइल नंबर दिया हुआ रजिस्टर्ड, तो उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर यहाँ पर आपने सबमिट का बटन दबा देना है। उसके बाद ये आपका प्रोफाइल इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा कुछ आपका डिटेल दिखाएगा और यहाँ पर लिखेगा ग्रेवियंस सब टाइप। तो यहाँ पर तीन तरह की कैटेगरी सेलेक्ट है, मतलब तीन आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में फादर नेम, आप अगर गलत है तो ठीक करवा सकते हैं, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी अगर आपका खुद का नाम गलत है तो ठीक करवा सकते हैं। तो जो भी आपकी चीज़ आपने ठीक करवाना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या खुद का नाम, तो उसके लिए यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। मैक्सिमम तीन ही ग्रेवियंस आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तीन चीज़ों के लिए ही कर सकते हैं। मान लीजिए फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो इतनी तो ज़्यादा गलती किसी की होगी नहीं, मिनिमम एक या दो ही हो सकती है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ गलत है वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, उनके ऊपर टिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, अगर आपकी फ़ोटो गलत है तो फोटो पर भी आप कर सकते हैं। तो मिनिमम जैसे यहाँ पर इन्होंने तीन बताइए कि इस बच्चे के लिए डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी नेम, फोटोग्राफ, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर टिक की है इसने। तो इन्हीं के लिए, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर टाइप करना जो ओरिजिनल है, और उसके नीचे करेक्ट ट्रेनी नेम आपने अपना नाम डालना है। अब फ़ोटो के लिए भी यहाँ पर अप्लाई किया तो लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी खुद की, और डेट ऑफ बर्थ के लिए अपने 10वीं या 12वीं की सर्टिफिकेट का फ़ोटो या कॉपी जो आपने पीडीएफ में अपलोड करना है। और इसी तरह से अगर आपका फ़ोटो गलत है तो उसके लिए एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा जो है नोटरी से, तो उसका जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रूफ भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और ये सारे अपलोड करने के बाद नीचे बटन मिलेगा सबमिट ग्रेवियंस, तो सबमिट आप ग्रेवियंस कर दीजिएगा। तो ग्रेवियंस से सबमिट करने के बाद ये आपका यहाँ पर इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर ग्रेवियंस आईडी, एक आपको आईडी मिलेगी और यहाँ पर लिखा होगा कि नोट डाउन फॉर फर्दर रिफरेंस। तो इस ग्रेवियंस आईडी को आपने नोट कर लेना है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो इस आईडी को आप चाहे फोटो कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, तो इसको आपने सेव कर लेना है, जो इस तरह का जीआर नंबर आपको ये पूरा मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो उसके बाद यहाँ पर आपका राइट पे लिखा होगा कि क्लिक हेयर फॉर व्यू स्टेटस। तो आपने ग्रेवियंस तो कर दिया, अब आपको पता कर कैसे चलेगा कि आपने ठीक किया है कि नहीं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको अलग से जो है वेबसाइट पर ही चलकर बताएंगे कि आपका ये वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेव कंप्लेंट टूल है, कंप्लेंट टूल में नीचे ग्रेवियंस आपको दिखाई देगा, इसी के साथ एक और नीचे ग्रेवियंस दिखाई देगा। तो इस ग्रेवियंस को जब ओपन करेंगे यहाँ पर जो ये आईडी आपको मिली थी, जो ये आपको आईडी यहाँ पर हमने बोला था कि नोट कर लीजिएगा ये वाली आईडी, तो ये जो आईडी है वो आपने यहाँ पर पुट करनी और गो कर देंगे। तो गो करने के बाद आपका जो है यहाँ पर जो स्टेटस है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप जो है अपना ग्रेवियंस का स्टेटस जो है आप चेक कर पाएंगे कि ये आपका सही हुआ है या नहीं, वहाँ पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि जो करंट वाले बच्चे जिनका रिजल्ट आया वो अपने कैसे करेक्शन कर सकते हैं डीएमसी में, अगर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी नेम या फोटोग्राफ, ये चीज़ें हैं, आप पांच जो चीज़ें हैं ये करेक्शन कर सकते हैं, इनमें से एक वक्त पर आप तीन ही ठीक कर पाएंगे। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से अगर किसी छात्र का करेक्शन करवाना है तो इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर करवाइएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों में, ताकि जिसके भी कोई गलत है तो वो बच्चा इस वीडियो के माध्यम से खुद ही जो अपने मोबाइल में ठीक कर पाएंगे। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।